रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने एनसीसी दिवस से पूर्व आज नई दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल पर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। एनसीसी दिवस से एक दिन पूर्व आज कैडेट्स ने भी शहीदों को याद किया। देखिए हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की ये रिपोर्ट। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी अपनी 74वीं वर्षगांठ मना रही है। हर साल नवंबर महीने के आखिरी रविवार को एनसीसी दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल पर रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने और एनसीसी कैडेट्स ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। एनसीसी की स्थापना 1948 में की गई थी और आज देश भर में राष्ट्रीय कैडेट कोर में करीब 15 लाख कैडेट प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में एनसीसी का विकास तीव्र गति से हुआ है। इसमें वर्दीधारी युवाओं ने देश के भविष्य को संवारने के लिए की गई पहल में बढ़ चढ़कर योगदान दिया है। On the NCC Day, we commemorate the services and sacrifices of our forces for their services to the country, for their sacrifices, and also treat them as role models for the young ones in the country. NCC is a junior replica of the armed forces. They are the ones who are the disciplined, patriotic, the group of the lot, and they will motivate entire country, our nation, to serve the country without any self-interest. This day is dedicated for NCC and also for the armed forces. That's why we come here. देश में एनसीसी के कुल 17 निदेशालय हैं, जिनमें कैडेट सामाजिक कार्यों और सामुदायिक विकास की गतिविधियों में हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। 1971 के बाद अब कोरोना महामारी में भी 2 लाख से ज्यादा एनसीसी कैडेट्स ने अपनी भूमिका निभाई है। राष्ट्रीय कैडेट कोर का लक्ष्य कैडेट्स को समाज के अच्छे नागरिक बनाने और उन्हें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में योग्य और अग्रणी बनाने के लिए उनमें चारित्रिक गुणों का विकास करना है। सामाजिक गतिविधियों में कैडेट पुनीत सागर अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, जल शक्ति, वृक्षारोपण, प्रदूषण के खिलाफ जागरूकता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और डिजिटल इंडिया जैसे जागरूकता कार्यक्रमों में भी अपनी भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। नई दिल्ली से गिरीश निशाना की रिपोर्ट, DD News।